बीजेपी ने निकाली प्रियंका गांधी की कार। बीजेपी की एचआर, प्रियंका हो जाएंगी बेहाल। भतीजी के हमलों का जवाब देगी चाची। राजनीति भी क्या खूब होती है, इसमें ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। और तो और, राजनीति के इस मैदान में कभी कभी ऐसा भी होता है जब अपने ही अपने के सामने खड़े हो जाते हैं। 2019 के चुनावी मैदान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। 2019 के चुनावी मैदान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। 2019 का चुनावी मंच सज चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमले कर रही हैं, तो वहीं पार्टियां एक दूसरे की काट निकालने की भी कोशिश कर रही हैं। यूपी में बीजेपी ने भी कांग्रेस के हमलों की बेजोड़ काट खोज निकाली है, और वो काट है चाची मेनका गांधी। यूपी में कांग्रेस की नैया को पार लगाने का जिम्मा कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के कंधों पर डाल दिया, जिसके बाद प्रियंका लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रही हैं। प्रियंका की कोशिश है कि वो देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस का जनाधार बनाए। प्रियंका की काट निकालने के लिए बीजेपी एक नए दांव को चलने की तैयारी कर रही है। शुक्रवार को बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में पार्टी ने फैसला लिया कि यूपी में भतीजी प्रियंका के मुकाबले चाची मेनका को मैदान में उतारा जाएगा। बीजेपी की इस बैठक में मेनका गांधी को भी बुलाया गया था। बैठक में मेनका गांधी को सोनिया, राहुल और प्रियंका पर हमलावर होने के निर्देश दिए गए। बीजेपी का मानना है कि गांधी परिवार से भाजपा नेताओं पर लगने वाले आरोपों का जब चाची मेनका जवाब देंगी तो लोगों के बीच भाजपा का संदेश ठीक जाएगा, जिसके लिए भाजपा ने राहुल और प्रियंका के मुकाबले प्रदेश में मेनका की सभाएं कराने का फैसला लिया है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि मेनका गांधी जब कांग्रेस पर हमला बोलेंगे तो राहुल और प्रियंका के लिए बचाव करना आसान नहीं होगा। साथ ही बेबाक अंदाज में बोलने वाली मेनका की बात लोगों के दिल व दिमाग में ज्यादा ठीक तरीके से बैठेगी।